यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही यूपी में अपराध पर अंकुश लगाने की बात करते हों, लेकिन सच्चाई इससे काफी दूर नजर आती है। एक उदाहरण के लिए अलीगढ़ को ही देख लीजिए। अभी हाल ही में हुए 3 हत्याकांड के बाद फिर एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी और इस बार गोली मारने की वजह बेहद हैरान कर देने वाली है। आरोप है कि 5 रुपए के गुटखे को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते युवकों ने दुकानदार को गोली मार दी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दरअसल छोटू नाम का दुकानदार रोजाना की तरह अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उसके पास दीपक नाम का एक व्यक्ति अपने 4 दोस्तों के साथ आया। उसने छोटू से 5 रुपए का गुटखा लिया और जब छोटू ने गुटखे के पैसे मांगे तो इस पर दीपक नाराज हो गया। पहले दोनों लोगों में कहा सुनी हुई, लेकिन जब छोटू नहीं माना तो इन दबंगों ने पिस्टल निकाली और एक के बाद एक फायरिंग शुरू कर दी। छोटू जो चाय की दुकान करता है हमारी गली में, और कल रात दीपक वे उसके 4 साथी गली पे आए और छोटू की दुकान से गुटखा लिए। गुटखा लेने के बाद छोटू ने पैसे मांगने के बाद दीपक ने उसके गले से 250 रुपये निकाल लिए, जिसका विरोध छोटू ने किया। हम पास में खड़े, उन दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद हमने उनका बीच बचाव कराने के बाद दीपक ने नियत से मुझे और छोटू को गोली चला दी। छोटू के कंधे में गोली लगी, जिसके बाद उसे तुरंत नजदीक के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये थाना टप्पल क्षेत्र के चौकी जट्टारी कस्बे का मामला है। वहाँ पर गुटखा लेने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। उसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को कंधे पे गोली मारी। जो जिसको गोली मारी उसको जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है और जो मुकदमा लिखकर जो अभियुक्त उसकी गिरफ्तारी की जांच चल रही है। इस हैरान कर देने वाली घटना से एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश के कर्ता धर्ता खुद की कितनी भी तारीफ कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि जुर्म को रोकने में सरकार विफल नजर आ रही है। अलीगढ़ से यूपी तक के लिए अकरम खान की रिपोर्ट।